और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके दिखाए जो दिल्ली रोड है, यहाँ पर किसानों ने जो टिकरी बॉर्डर से लेकर के अभी यहाँ पर बहादुरगढ़ के अंदर जो नेशनल हाईवे है इसको जाम कर दिया, क्योंकि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो किसान नेताओं की तरफ से पूरे देश के अंदर जो अपील की गई है कि भाई पूरे भारत को बंद करना है, क्योंकि भारत सरकार अभी तक टाइम पर टाइम दे रही है किसानों को। कल फिर 9 तारीख का टाइम दिया गया है, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं अपने जुनून अपने जोश के साथ, अपनी मांगों को मनवा करके ही मानेंगे, भले इनको 4 महीने 5 महीने साल कितने भी लग जाए। अब इनके स्वाभिमान की बात है भाई, लाखों की संख्या में नेशनल हाईवे के ऊपर जो रोड जाम कर रखा है। कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके तस्वीरें एक बार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से दिखाए, जो लगातार हम आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। भाई किसानों से भी बात करना चाहेंगे, यदि भाई सरकार नहीं मानते फिर क्या करेंगे आप? देखिए भाई, हमें आज 3 महीने हो गए हैं, पहले हमने पंजाब में अपना प्रोटेस्ट किया जी, और आज हम मजबूरी में हम दिल्ली में आकर, तब भी इन्होंने हमें बहुत रोका है, तो हमने अपनी हिम्मत पे अपनी छाती पे जो भी इन्होंने किया हमने अपनी छाती पे जरा है, ठीक है। आज की बात कर रहा हूँ कि जो आज ये देख रहे हो, मेरी उम्र 28 साल हो गई है और आज तक की सबसे निकम्मी और निखिद्ध सरकार ये है बीजेपी। एक महाराजा का फर्ज होता है कि वो अपनी देश की प्रजा को सुख दे, उसकी सहूलतें दे, क्या ये आप देख रहे हो? क्या एक महाराजा का ये फर्ज है कि उसकी प्रजा सड़कों पे रुल रही है और वो उनकी बात भी नहीं सुन रहा है? बिल्कुल ठीक है ना, हम पंजाब से आए हैं और आज हमें 7 दिन हो गए हम सड़कों पे बैठे हैं, इतनी सर्दी में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपने इतिहास को देखते हैं। बिल्कुल, तब भी औरंगजेब जैसे ठीक है ना, कई ऐसे जालिम लोग आए हैं, तब भी हमारे गुरु ने उनका विरोध किया है, ठीक है, शहीदियां दी है, हम उनके बच्चे हैं, हमारा इतिहास ये बोलता है कि हमेशा चढ़ती कला में रहना है, और आज हम चढ़ती कला में हैं, और इस मोदी सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि इसने जो करना है जो तशद्दुद करना दिल से करे, कोई बात नहीं है, हम इसके आप छाती पे जरेंगे। बिल्कुल भाई, जुनून जोश एक बार फिर किसानों का आप देख सकते हैं भाई, अपनी आप अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर टिके हुए हैं जी। नमस्कार अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ जो संघर्ष चलता जी, उन्होंने भुलेखा भी 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन उन्हें पता नहीं क्या लोगों के संघर्ष का, यह मोदी ने जानी अक लानी चाहिए, जो हंकार है वो ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਭਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਫੌਜ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋ ਤਾਕਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਊ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਊ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ 15 ਬੱਗੇ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਹਮ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਂਗੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਤਾਊ ਹੋਰ ਬਾ ਤਾਊ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਾ। राम राम ताऊ जी, कहाँ से हैं ताऊ जी आप? नरवाना से। नरवाना थे? हाँ। क्या कहना चाहोगे फिर? जब तक तो हमने लग मारे तीनों कानों वापस नहीं होंगे। हाँ। हमें इतने मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, आर पार की लड़ेंगे सरकार के साथ। बिल्कुल, के लग गया सरकार करते कि टाइम पर टाइम देने लग रही है, कदक रहेगा डंडा देकर लेंगे। अच्छा हाँ, दूसरे चौटाला ने कबाबत के कहना चाहोगे? दूसरे चौटाला ने दोबारा नहीं आने देंगे। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। यही बात है, हाँ ठीक। कहाँ से हो? नरवाना से। इन पानी एरिया उनको ऊपर एटे गए, उनको ऊपर तक। हां उनको ऊपर है इंडे के एरिया पानी। अच्छा ना मानने तो? नहीं माने तो पानी के पानी तो आपके ऊपर फेंकने लग रहे, वाटर कैनन गिर लिया। हां मैं तोप के गोले छोड़ दंगा उनका। नहीं दीवा में उसको ऊपर गेड़ ना रिया। हां जी गेड़ ना रहे हो? हां उठा उसे भाई, देख सको हो? हां जी भाई साहब। हां जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देख लो आप साहब, को सबको पता है क्या करें हम, क्या करें। बिल्कुल भाई, देख सको हो? हाँ भाई सब तो घनी बार हो। देखिए मोदी सरकार में बोल रहे हैं कि मैं भी गरीब गुड़िया किसान है, समझे सर? कि मेरे कहने का मतलब कि देखिए आपकी हरा सब्जी हो, आलू भी मुझे बहुत ही रेट बढ़ा रहे हैं, मैं गरीब। बिहार से आप? हाँ बिहार के हैं भाई, बिहार के किसान देख लो रे।
मैं भी बिहार के हैं, इसलिए सर मैं भी दो पैसे कमाने के लिए मैं आया, बिहार छोड़ के आया, यूपी बिहार में दिल्ली में हरियाणा में आए हैं कि देखिए मैं क्या करूँगा, पेड़ के लिए चक्कर बहुत ही बहुत दुनिया में पहुँच घूम सकते हैं। समझे आज की मोदी सरकार को क्या कर रहे हैं कि पूरा मोदी सरकार आलू माथी हर चीज़ में सब चारा सौ सब पूरा बढ़ा दिए हैं, तो बंदा जनता क्या खा सकते हैं सर बताइए। बिल्कुल भैया, बिहार के किसान का दर्द भी आप सुन सको हो, एक दो ताऊ और बैठे यहाँ पर ये नारे लगा रहे हैं भाई, ये इनका जो जुनून है ये भी आप देख सकते हो। जी हाँ जी, ताऊ जी कौन सा गाँव के हो? नरवाना से हैं। अच्छा यहाँ पा रहे हो जाम लगाने के लिए? चलो बढ़िया, लाके सरकार मान सकी मनाएगे छोटे मनाएगे छोटे भाई बुजुर्गा में भी ताऊ और मसारा में जुनून देख सको। वीडियो आपने अच्छी लगी होगी, एक तो ताऊ और गेल बात कर ला भाई, ताऊ और बैठे हैं। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम। केला के सरकार मान जाएगी? मानना की नहीं तो बैठे अपने बाप मान के। कांग्रेस वाले ने बिठा रखे है? तो कांग्रेस वाले ने क्या तो बिठा रखे, आप अपने खातर आ रहे हैं, कांग्रेस खातर आ रहे हैं को सरकार वाले कहे खट्टर साहब कहे तो खट्टर तो फिर के कहे जाओ ताऊ खट्टर तो नोवे का बोला जे तो हरियाणा के किसान है नहीं उसकी आँख ठीक होगी तो भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देख लो जी हरियाणा के किसान है, हिसार जिले से है किसान, उसकी उसकी तो अकल भी कमजोर है, आंख भी कमजोर है, सारी उसकी बुद्धि भी स्टोरी है, किसान मानने नहीं गए इतना लगे भाई। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो ये भाई किसान सारे इकट्ठे हो रहे अपनी मांग मांगने लग रहे ही नहीं, यह सरकार जल्दी से जल्दी निपटावे ना तो भाई गलत हो जाएगा। बिल्कुल सरकार ने भी गलत होगा, देश के लिए भी गलत है, सब भाइयों तक गलत हो जाएगा। और ये भाई 12 दिन ताड़े सड़क पर पड़े हैं तो कुछ करने ये पड़े हैं भाई, खाली तो नहीं जाओगे, चलो लेकर जाओगे भाई। चलो भाई वीडियो आपने देख ले भाई, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया। ग्राउंड मीडिया के लिए बहादुरगढ़ से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।